हेलो फ्रेंड, पूजा किचन में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। तो हम आज बनाने वाले हैं अपने किचन में स्वीट्स डिफरेंट टाइप्स से हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्वीट्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो स्वीट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो एप्पल लिए हैं, जिसे मैं अच्छी तरह से धो लिया हूँ। और यहाँ पर मैंने आधा कप हरा अंगूर यूज़ कर रही हूँ और आधा कप काला अंगूर। सबको हम काट लेंगे, आप छिलके सहित भी काट सकते हैं, छिलके हटा के भी काट सकते हैं। तो हम यहाँ पे छिलके सहित काट रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे, देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, सारा काट लिया है। अब हम अंगूर को काट लेंगे। इस तरह से लंबे लंबे देखिए, छोटे छोटे पीसेस में काट लिए उस तरीके से। इसी तरह से हमें हरा अंगूर का भी मुझे काट लेना होगा। अब हम बनाने की तैयारी करेंगे। स्वीट्स बनाने के लिए हम यहाँ पे मावा का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मावा लिया है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई ली हूँ और कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम घी डालेंगे। 3 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। यहाँ पे मैंने जो एप्पल लिया है, एप्पल को हम फ्राई करेंगे हल्का सा। एप्पल को थोड़ा सा लाल होने देंगे हम। हल्का लाल हो गया है और इसमें हम डालेंगे अंगूर। अंगूर को भी साथ ही में भून लेंगे हम। थोड़ा सा लाल और होने देंगे हम। लगभग 1 मिनट हम इसे भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे क्योंकि हमें मावा को भूनना है। 3 चम्मच घी डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब इसमें हम मावा डालेंगे। मावा को हम ब्राउन होने तक पकने देंगे। मावा को ब्राउन होने तक हम भूनेंगे कि अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो में ही हमें भूनना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भूनना है। हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो जो मैं फ्रूट्स को भूनी थी उसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। साथ में इसे 1 मिनट हम और भूनेंगे। इसमें हम कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर हम इसमें डालेंगे 1 फूल। ये देखिए स्वीट्स बन के तैयार हो गई है। अब इसे ठंडे होने के लिए हम छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं प्लेट यूज़ कर रही हूँ। प्लेट में हम थोड़ा सा घी डाल दी हूँ। चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे चारों तरफ, इसे फैलाएंगे इस तरीके से।
देखिए अच्छी तरह से इसे रैप कर ली है। अब इसे फ्रूट से हम सजाएंगे। ये मैंने ग्रेप्स लिया है। ये देखिए अंगूर से मैं इसे चारों तरफ से सजा ली हूँ। देख सकते हैं अंगूर और सेब से मैं इसे डिफरेंट कर दी हूँ। अब इसे फ्रीज में आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, अच्छी तरह से ये सेट हो गया है और फ्रीज से मैं निकाल ली हूँ। अब इसे मैं काट के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड, एप्पल ग्रेप स्वीट्स बनके तैयार हो गई है। बहुत ही यम्मी लगती है खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। आप इसे फ्रीज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आप उसे बना के ज़रूर खिला सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ।